बातें संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री ने कही थी कि हम प्रतिवर्ष 300 रुपए बोनस देंगे और 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। और केंद्र की जो मोदी सरकार थी उन्होंने भी कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत का 1.5 गुना देंगे। साथियों, सरकार बनने के बाद ना तो 1.5 गुना दिया और ना ही बोनस दिया। तो साथियों, आज महापंचायत में यह भी निर्णय होना चाहिए कि जब हमें रायपुर आप जाने नहीं देंगे तो अगले विधानसभा चुनाव में आपको किसान वोट नहीं देगा, किसानों का प्रतिनिधि 15 वोट ही मिलेगा पूरे राजनांदगांव जिले से। साथियों, बार बार किसान जो कर्जे में डूब रहे हैं, कब तक किसान लड़ेगा, कब तक संघर्ष करेगा? अब छत्तीसगढ़ के किसानों को एक और कहीं संकेत देना होगा कि कर्ज माफी तो चाहिए लेकिन हमारे उपज का सही दाम चाहिए ताकि किसान कर्ज मुक्त हो पाए और कभी किसान कर्जों में ना जा पाए। कर्जा माफी करना